प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ की अगली किश्त को किया जारी। कहा, जिन कृषि सुधारों को आज देश ने आगे बढ़ाया है, अटल जी थे उसके सूत्रधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोहनलालगंज में किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, किसान हितों के संरक्षण के लिए सरकार हर तरह की सहायता के लिए है प्रतिबद्ध। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर देश आज कर रहा है उनको नमन। अटल जी की दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में उनकी जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मनाने की थी घोषणा। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1236 नए मामले आए सामने। संक्रमण के 16159 मामले हैं सक्रिय। वहीं रिकवरी दर बढ़कर हुई 95.78%। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। किसानों की खुशहाली के लिए केंद्र सरकार लगातार कई योजनाओं पर लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त जारी की है। पीएम ने एक बटन दबाकर 9 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की। इस मौके पर पीएम ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि आज जिन कृषि सुधारों को देश ने आगे बढ़ाया है उसके सूत्रधार अटल जी ही थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, अंत्योदय अन्न योजना हो या फिर सर्व शिक्षा अभियान हो, राष्ट्र जीवन में सार्थक बदलाव लाने वाले अनेक कदम अटल जी ने उठाए। आज पूरा देश उनको स्मरण कर रहा है, अटल जी को नमन कर रहा है। आज जिन कृषि सुधारों को देश ने जमीन पर उतारा है उनके सूत्रधार भी एक प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से बहकावे में न आने की अपील की। उन्होंने किसानों से तर्क और तथ्य के आधार पर फैसला लेने को कहा। मैं आज फिर एक बार नम्रता के साथ उन लोगों को भी जो हमारे घोर विरोध करने पर तुले हुए उनको भी कहता हूं, मैं नम्रता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। साथियों, हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव डाल सकता है। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के झूठ को न स्वीकारे, तर्क और तथ्य के आधार बनाकर ही सोचे विचारे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में किसानों से कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेठी के किसानों को गेहूं खरीद में 55 करोड़ रुपए और धान की खरीद में 60 करोड़ रुपए दिए गए हैं। किसानों को झूठ बोलकर बरगलाने वाला अगर कोई पाप कर रहा है तो अमेठी का वह पूर्व सांसद राहुल गांधी कर रहा है। अमेठी का एक एक किसान जानता है कि खाद के संदर्भ में अमेठी के किसान की क्या दुर्गति होती थी। लाइन लगती थी खाद की दुकान के बाहर और पुलिस से लाठीचार्ज करवाया जाता था अमेठी के किसानों पर। यह भूला नहीं है अमेठी का किसान। आज जब मैं इन बातों को दोहराती हूं, शायद देश में अगर लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं तो स्तब्ध हो जाएंगे कि कैसा नेता है। उस जनता पर उसने लाठी चार्ज करवाया, उस किसान पर उसने लाठी चार्ज करवाया जो मात्र खाद की लाइन में खड़ा था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित किसान संवाद में किसानों ने बरेली के नवाबगंज ब्लॉक में भारी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना और उनसे कृषि बिल को लेकर अपनी शंकाओं को दूर किया। इस अवसर पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार भी मौजूद रहे। उन्होंने किसानों के बीच पहुंचकर किसानों की समस्याओं को सुना और उन्हें दूर करने का आश्वासन भी दिया।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने किसानों की सभी शंकाओं को दूर किया है। उन्होंने कहा कि किसानों का शोषण नहीं हो रहा है, बल्कि किसानों के लिए सुविधाएं बढ़ रही हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण के माध्यम से पूरे देशवासियों को वास्तविकता से अवगत कराया है और वास्तव में ऐसा है, किसान का कहीं शोषण नहीं हो रहा है, किसान के लिए सुविधा बढ़ रही है। और जब से हमारी सरकार आई है, हमने किसान को दिया जाने वाले धन की संख्या बढ़ाई है। जैसे आज ही आपने देखा, 9 करोड़ से अधिक किसानों को 19,000 करोड़ से अधिक धनराशि उनके खातों में सीधे गई है, जो पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है। तो समझ में आना चाहिए किसान की चिंता कौन कर रहा है, किस हिसाब से कर रहा है। रामपुर के धमौरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में प्रधानमंत्री किसान संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय कैबिनेट अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री नकवी ने कहा कि किसानों को पहले किसी भी सरकार में इतना सम्मान नहीं मिला, लेकिन मोदी सरकार में किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी मिला है। उन्होंने कहा कि किसान पेंशन योजना भी मोदी सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों से पूरे देश में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सीधा संवाद किया और उन्हें यकीन दिलाया कि सरकार किसानों के साथ है। कार्यक्रम में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने में अपना अतुलनीय योगदान प्रदान करने वाले पद्मश्री से सम्मानित भारत भूषण त्यागी भी मौजूद रहे। उन्होंने किसानों को जैविक खेती के तरीके और उपज से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के बारे में जानकारी दी। कृषि और कृषक एक बड़ा मुद्दा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 6 साल पहले सत्ता में आए तो उन्होंने आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर कृषक, कृषि प्रधान देश को कृषक प्रधान देश बनाने की दिशा में मजबूती के साथ कदम उठाया। और एक कदम नहीं, अनेक ऐसे कदम उठाए जो कि अपने आप में कृषकों में को आत्मनिर्भर बनाने में, कृषकों के सम्मान के लिए, कृषकों के सशक्तिकरण के लिए, जिसने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गाजियाबाद से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद रजापुर ब्लॉक में किसानों को आमंत्रित कर उनमें फैली हुई भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। जनरल सिंह ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों को बताया कि किस तरह गत वर्षों में किसानों का एमएसपी बढ़ा है और उन्हें अपने उत्पाद की अच्छी रकम प्राप्त हो रही है। जनरल वीके सिंह ने बताया कि सरकार मंडियों में पनप रहे दलालों को खत्म करने के लिए ये कानून लाई है, जो किसान के फायदे में है। कुछ राजनीतिक दल इसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। कुछ किसानों ने भी मंच के माध्यम से अपने साथी किसान भाइयों को इस कानून के फायदे बताए। देखिए, सुशासन दिवस के अलावा आज एक और चीज की गई, क्योंकि वाजपेयी जी का किसानों के प्रति बहुत प्रेम था, उनके लिए उन्होंने काफी चीजें शुरू की थी। तो आज प्रधानमंत्री जी ने एक संवाद किया किसानों के साथ और उनको बताया कि क्या चीज है और जो भ्रम जो फैलाए जा रहे हैं उनके बारे में बताया और उनका भ्रम जो है उसका निवारण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहनलालगंज में आयोजित किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 1,62,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हितों और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अटल जी ने पहला प्रयास किया था। देश के अन्नदाता किसानों के उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता से पूरा देश परिचित है। स्वाधीन भारत में किसान उत्थान के लिए सबसे अधिक योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार ने संचालित की हैं, जिसकी मदद से किसानों की समृद्धि का स्वप्न साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों के सशक्तिकरण के लिए 3 नए कृषि बिल पारित किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसान हितों के संरक्षण के लिए हर प्रकार की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र के साथ ही राज्य सरकार भी अन्नदाताओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मोदी जी के हाथों में देश आया तो मोदी जी ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसान के खाते में देना प्रारंभ किया। ये मोदी जी की देन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो
जो आज किसान को मिल पा रहा है। 24 चीज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, और 2017 में जब हम लोग आए हमने देखा प्रदेश के अंदर किसानों में हताशा है, निराशा है। तो भाइयों बहनों आपको याद होगा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो सबसे पहला काम किया था वो काम किया था किसानों की ऋण माफी का कार्यक्रम। 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफी के कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर हमने पूरी सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद प्रदेश के अंदर वर्षों से लंबित, दशकों से लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य किया। बाण सागर जैसी परियोजनाएं संपन्न हुई, और भाइयों बहनों मार्च 2021 तक प्रदेश के अंदर 20 लाख हेक्टेयर से भी भूमि को हम सिंचाई की सुविधा देने जा रहे हैं। मात्र 4 वर्ष के अंदर 20 लाख करोड़ से अधिक एकड़ से अधिक 20 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को सिंचाई की सुविधा प्रदेश के अंदर भारत सरकार के सहयोग से हम विकसित करने जा रहे हैं। अटल जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने देश के लिए नए सपने देखे और उस दिशा में काम भी किया। उनकी दूरदृष्टि से प्रेरणा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में उनकी जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदीच हड्डियां गलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ। घेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। एक महान देशभक्त, ओजस्वी वक्ता और कवि, चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कान लिए वाजपेयी जी की नीति, नियत और निष्ठा ऐसी थी कि विरोधी भी उनके आगे कुछ नहीं बोल पाते। उन्होंने अपने जीवन काल में एक ऐसे भारत का सपना देखा जिसकी बुनियाद भी उन्होंने ही रखी। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे भारत का सपना देखता हूँ जो समृद्ध और मजबूत है, ऐसा भारत जो दुनिया के महान देशों की पंक्ति में खड़ा हो। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी के पास 40 सालों से ज्यादा समय का संसदीय अनुभव था। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक करने के बाद उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में परास्नातक की डिग्री हासिल की। राष्ट्रधर्म, पांचजन्य के अलावा स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे अखबारों का संपादन किया। मेरी 51 कविताएं, संकल्प काल, शक्ति से शांति, 4 डिकेड्स इन पार्लियामेंट, मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, कैदी कविराज की कुंडलियां, न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी जैसी कई किताबें लिखी। सामाजिक समता का पितुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी 1961 से राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य भी रहे, 1951 में जनसंघ के संस्थापक सदस्य और फिर 1968 से 1973 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे, 1977 से 1980 तक जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य और इस मंत्री का पदभार भी संभाला। और 1986 में 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे, 2004 में 5वीं बार लगातार लखनऊ से चुनाव जीतकर वे लोकसभा पहुंचे। वाजपेयी जी इकलौते ऐसे नेता थे जो 4 अलग अलग राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी 16 से 31 मार्च 1996 तक और फिर 19 मार्च 1998 से 13 मई 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल को न सिर्फ याद किया जाता है बल्कि उस पर अमल भी किया जाता है। इसमें पोखरण, परमाणु परीक्षण, राष्ट्रीय राजमार्ग और स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाएं और आर्थिक नीतियों में दूरदर्शिता शामिल है। उनके 1998-99 के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को दृढ़ निश्चय के एक साल के रूप में जाना जाता है। इसी दौरान भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हुआ जिन्होंने परमाणु परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।
फरवरी 1999 में पाकिस्तान बस यात्रा ने उपमहाद्वीप की परेशानियों को सुलझाने के लिए एक नए दौर का सूत्रपात भी किया, लेकिन जब दोस्ती का यूरोप धोखे में तब्दील होकर कारगिल के तौर पर सामने आया तब भी उनके नेतृत्व में देश ने डटकर मुकाबला किया और घुसपैठियों को खदेड़ने में कामयाबी हासिल की। वाजपेयी जी को देश की अभूतपूर्व सेवा करने के लिए 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ संसद सदस्य जैसे पुरस्कार भी मिले। 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली। मार्च 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया। आज रायबरेली में किसान निवेश मेले का आयोजन किया गया। मेले के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने मेले में आए किसानों को नए कृषि कानूनों के बारे में जानकारी दी। वहीं किसान मेले में आए किसानों ने बताया कि किसान बिल से उनको फायदा है। अभी तक किसान किसानी करता था, लेकिन इस बिल के लागू होने से अब किसान को खेती में व्यापार करने की आजादी मिल गई है। अब किसान किसानी नहीं बल्कि कृषि व्यापार करेगा, जिससे किसानों को व्यापारियों के तरीके से ही लाभ होगा। इस बात के लिए संकल्प है कि उनको उनके जो आमदनी है वो दोगुना 2022 तक दोगुना उनको कर दे, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। इसलिए आज ये सारे कार्यक्रम आज जो थे जो ब्लॉक स्तर पे ये कार्यक्रम आज आयोजित हुए हैं और भारी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री जी का जो सारगर्भित उद्बोधन था जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से लोग निर्भ्रमित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, उससे बचने का जो उन्होंने आज संदेश दिया है वो काफी प्रेरणादायी रहा। नया बिल किसानों के लिए बहुत हितकर है। इसके लगाने से मैं पढ़ा लिखा हूँ, BSc जी सेकंड ईयर का छात्र हूँ, जिससे मुझे पता है कि ये बिल बहुत अच्छा किसानों के हितकर के लिए है या उनके कल्याण के लिए है। जो गरीब किसान हैं और छोटे लघु सीमांत किसान हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा हितकर है, इससे मोदी जी देश का विकास होगा। ये फार्म मशीनरी बैंक का जितना भी ये सब कुछ हमको मिला है, 12 लाख रुपए का अनुदान मिला है, ये प्रधानमंत्री जी की बहुत ड्रीम योजना है। ये बहुत बढ़िया बिल भी प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं। पता नहीं क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बिल और हम लोगों के हित का बिल है, ये किसानों के हित का बिल है। ये पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर आज ललितपुर के बिरधा में किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारी संख्या में पहुंचे महिला एवं पुरुष किसानों ने प्रधानमंत्री के सीधे प्रसारित हो रहे कार्यक्रम को देखा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे जनपद के प्रभारी तथा आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए आयोजित किसान मेले में स्टॉलों का अवलोकन कर प्रगतिशील किसानों को उपकरणों का वितरण भी किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने दूरदर्शन से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने आज जो किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि भेजी है, इससे किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जन्मदिवस के अवसर पर आज जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खातों में पैसा हस्तांतरित किया है किसान सम्मान निधि का, जिससे किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी, उनकी प्रगति होगी, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे, उनके जीवन में बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी ने इससे प्रेरणा लेके हम लोग सब्जी का धंधा कर रहे हैं, पोषण वाटिका लगाई उसमें आलू मटर गाजर मूली सभी सब्जियां उगाई हैं और बड़ी मात्रा में प्याज की खेती भी की हम लोगों ने और उसके लिए थोड़ा थोड़ा गांव में बेचते हैं और बस्ती है तो मार्केट में भी ले जाते हैं, उससे हमें ज्यादा मुनाफा हो रहा है। देश के 2% या 3% किसान ही इस आंदोलन में शामिल हैं। देश के 95% से 97% किसान जो है आपकी नीतियों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं और किसानों को इस बिल की वास्तविकता जो लाभ हो रहा है वो समझ में आ गया है। मैं इन प्रधानमंत्री जी की नीतियों का पूर्ण समर्थन करता हूँ।
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1236 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 16159 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से 555544 मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोविड 19 की रिकवरी दर बढ़कर 95.78% हो गई है। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1236 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1342 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घटकर के 16159 रह गई है। दिनांक 17 सितंबर 2020 को जब हमारा पीक आया था एक्टिव इन्फेक्शन केसेस का, उस दिन हमारे प्रदेश में 68235 एक्टिव केसेस थे। उनकी तुलना में आज 52,000 से भी ज़्यादा केसेस कम हो गए हैं और सिर्फ 16159 एक्टिव केस शेष रहे हैं, लेकिन संक्रमण अभी लगातार जारी है। जो लोग अब तक संक्रमण प्रारंभ होने से और अब तक जो लोग पूर्णतः स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए, उनकी संख्या बढ़कर के अब 555544 हो गई है और रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में अब 95.78% हो गया है, 95.78%। कोविड संक्रमण से अब तक कुल 8279 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि कोरोना संक्रमण कम होने के साथ साथ अन्य गतिविधियों में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को तेजी से संचालित किया जा रहा है। 8 लाख के आसपास एमएसएमई और बड़ी इकाइयां उद्योगों में काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के समय कुछ इकाइयों की कार्यशील पूंजी, जीएसटी रिटर्न और विभागों से भुगतान की समस्या को दूर करने के लिए एमएसएमई साथी ऐप को शुरू किया गया था। 4,37,000 इकाइयों को बैंकों से समन्वय स्थापित कर ऋण स्वीकृत कर उन्हें उपलब्ध कराया गया, जिससे उनकी सामान्य गतिविधियां तेज हो सकें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। औद्योगिक गतिविधियों को भी सामान्य लगभग किया गया है। 8,18,363 इकाइयां अब कार्यशील हैं, जिनमें लगभग 52 लाख के आसपास श्रमिक कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में मिशन रोजगार चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रोजगार, स्वरोजगार व कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाने की एक कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है और उसी कार्ययोजना के अनुसार स्वरोजगार हेतु विभिन्न बैंकों से समन्वय करके इकाइयों को बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाकर उन्हें स्थापित कराया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 6,80,000 नई एमएसएमई इकाइयों को लगभग 20,780 करोड़ रुपए के ऋणों का वितरण किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व से संचालित लगभग 4,37,000 एमएसएमई इकाइयों को बैंकों द्वारा आत्मनिर्भर पैकेज में 11,100 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। इस प्रकार पिछले 7 महीने में वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 11,20,000 इकाइयों को लगभग 31,800 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। केवल इन्हीं इकाइयों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराए जाने से 27 लाख रोजगार के अवसर प्रदेश में पैदा हुए हैं। ये प्रक्रिया बदस्तूर जारी है और इसी में ये लक्ष्य एक रखा गया है कि इस वित्तीय वर्ष में 20 लाख इकाइयों को बैंकों से लगभग 70,000 करोड़ रुपए के ऋणों का वितरण कराया जाएगा। इससे प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। लखनऊ के नवाब वाजिद अली प्राणी उद्यान यानी लखनऊ चिड़ियाघर में नववर्ष की आमद पर पर्यटकों के लिए कई तरह के बंदोबस्त किए गए हैं। पर्यटकों को आने जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए एक ही द्वार से आने जाने का बंदोबस्त किया गया है। साथ ही मास्क और अन्य प्रकार की कोविड 19 की गाइडलाइन का पालन पर्यटकों को करना अनिवार्य किया गया है। मुख्य वन संरक्षक राजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ठंड के मौसम में चिड़ियाघर में जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए कंबल और अलाव का पूरा इंतजाम किया गया है। उन्होंने बताया कि अनलॉक के बाद पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या रोजाना चिड़ियाघर को देखने के लिए आ रहे हैं।
इधर राजधानी लखनऊ में क्रिसमस के पर्व पर सभी गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। कल देर रात से शुरू हुए कार्यक्रम 26 दिसंबर की सुबह तक चलेंगे। इस दौरान गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं के साथ साथ कैरल भी गाया गया। गिरजाघरों में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना की, साथ ही गिरजाघर में लगी प्रदर्शनी को भी देखा जिसमें प्रभु यीशु से जुड़ी झांकियां प्रस्तुत की गई हैं। लखनऊ के कैथेड्रल के फादर डॉ DHR डिसूजा ने बताया कि हर वर्ष की तरह आयोजित होने वाले कार्यक्रम कोरोना काल की वजह से सीमित किए गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का आना जारी है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ की अगली किश्त को किया जारी। कहा, जिन कृषि सुधारों को आज देश ने आगे बढ़ाया है, अटल जी थे उसके सूत्रधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोहनलालगंज में किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, किसान हितों के संरक्षण के लिए सरकार हर तरह की सहायता के लिए है प्रतिबद्ध। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर देश आज कर रहा है उनको नमन। अटल जी की दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में उनकी जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मनाने की थी घोषणा। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1236 नए मामले आए सामने। संक्रमण के 16159 मामले हैं सक्रिय। वहीं रिकवरी दर बढ़कर हुई 95.78%। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।